जो बीजेपी का किया गया तंत्र है, इस प्रकार के तंत्र कभी कामयाब नहीं होंगे। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में उथल पुथल की राजनीति के बीच कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचे हैं। दो दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे हैं और इस वक्त वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में शामिल हुए हैं और इस कमेटी में कुल 18 लोग हैं जो इस बैठक में बैठे हुए हैं। बहरहाल, दो दिवसीय दौरे में क्या कुछ होना है, हम सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं प्रवक्ता राजीव रंजन जो है उनसे, क्या कुछ दो दिवसीय दौरे में बैठक होना है? देखिए, विगत दो महीनों से पार्टी के जितने भी कार्यक्रम चल रहे थे, चाहे प्रमंडलीय स्तरीय कार्यकर्ता प्रतिनिधि सम्मेलन संवाद हो या जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम हो या प्रखंड स्तरीय संवाद कार्यक्रम हो, इसके अलावा जनजागरण अभियान, सदस्यता अभियान, इन तमाम कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ साथ आने वाले दिनों में पार्टी के गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बैठक है और विगत दिनों जिनके जिम्मे यह काम सौंपा गया था, संयोजक हों, समन्वयक हों, सह समन्वयक हों या जिला के सदस्यता प्रभारी हों, जिला के जनजागरण प्रभारी हों, जिला के अध्यक्ष हों, इन तमाम लोगों से भी जिलावार अलग अलग बैठकों में प्रभारी जी सभी चीज़ों की समीक्षा करने वाले हैं। लेकिन इन दिनों जो झारखंड की राजनीति में उथल पुथल आई है, सीएम पर जिस तरीके का संकट है, क्या इसको लेकर के भी सरकार, गठबंधन सरकार को भी क्या कुछ कहीं ना कहीं नुकसान दिख रहा है क्या, और उसको लेकर के भी अविनाश पांडे पहुंचे हुए होंगे और मे भी बातचीत करनी होगी? जहां तक अविनाश पांडे जी के आने का सवाल है तो ये कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था और वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर भी उनके वरीय नेताओं के साथ चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि हम राजनीतिक दल हैं और हमारे गठबंधन की सरकार प्रदेश में चल रही है तो तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए रखना राजनीतिक दल का एक कर्तव्य भी होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी नोटिस हुआ है, नोटिस होने के बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जवाब भी दिया जाएगा, उसके बाद जब स्थिति उत्पन्न होगी तो फिर उस पर चर्चा करेंगे हम। तो हमारे साथ इस वक्त राजीव रंजन थे जो तमाम जानकारी जो है वो दे रहे थे। लेकिन बहरहाल बताया हो तो कि जब एयरपोर्ट पर अविनाश पांडे पहुंचते हैं तो सर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस के जवाब में वो कहते हैं कि जो भी फैसला आएगा वो स्वीकार होगा, लेकिन बीजेपी कितनी भी षड्यंत्र कर ले लेकिन वह गठबंधन सरकार को नहीं तोड़ सकती है। गठबंधन सरकार पूरी मजबूती के साथ बनी हुई है और बेहतर काम कर रही है। फिलहाल आप इस खबर में देखिए क्या अविनाश पांडे कह रहे हैं। न्यायपालिका पर मुझे विश्वास है, कांग्रेस के संगठन पर मुझे विश्वास है, गठबंधन के हमारे सभी संयोजकों पर कि सब एकजुट हैं। बीजेपी पर, बीजेपी के विरोध में ही जो बीजेपी का जो किया गया तंत्र है, इस प्रकार के तंत्र कभी कामयाब नहीं होंगे। गठबंधन की सरकार झारखंड में मजबूती से जो जनता ने विश्वास दिया है वो 5 वर्ष पूरा करेगी और जनता की सेवा करेगी।